कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है। राम राम जी दर्शकों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राम राम जी डॉट को के इस खास कार्यक्रम में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस समय में रह रहे हैं वह समय सतयुग, त्रेता अथवा द्वापर युग नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा युग है जहाँ बिना धन के जीवित रहना असंभव है। आपको लगे कि शायद मैं अत्यधिक बोल रहा हूँ, पर मेरे प्यारे दर्शकों, ये बिल्कुल वास्तविकता है। आज गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर सबको धन तथा वैभव देता है, पर फिर भी आज मैं आपके लिए एक धन वृद्धि कामना यंत्र लेकर आया हूँ, जिसका नाम है संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र धन धान्य का प्रतीक है, क्योंकि यह महालक्ष्मी का यंत्र है। इस यंत्र के विषय में वैदिक पुराणों में भी वर्णित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि यह यंत्र माँ लक्ष्मी के प्रतीक रूप का प्रतीक माना जाता है। इस यंत्र में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब मैं बताता हूँ कि इस यंत्र के क्या लाभ हैं तथा इसे कहाँ स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र धन प्राप्त करने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करता है और धन के आगमन के हजार रास्ते खोल देता है। यह गरीबी और दरिद्रता को जड़ से खत्म कर देता है। यह यंत्र आय में वृद्धि करता है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों, राम राम जी डॉट को पर यह यंत्र विशेष ज्योतिषों द्वारा सिद्धित किया हुआ है, इसलिए इसे संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताता हूँ कि इसे कहाँ स्थापित करना चाहिए। इसे अपने कार्यस्थल, दुकान, ऑफिस या घर में धन रखने के स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा प्रत्येक दिन इसकी आराधना भी करनी चाहिए। यदि घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है या किसी कारण से धन की परेशानी रहती है, तो इसके लिए जरूर संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। इस यंत्र को धनदाता भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र को स्थापित करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस यंत्र से जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी से बैकुंठ धाम चली गई थी, जिससे पूरी पृथ्वी पर संकट आ गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने महालक्ष्मी की धरती पर वापसी के लिए और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित किया, और इस यंत्र की साधना से लक्ष्मी जी पृथ्वी पर प्रकट हो गई। धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से निजात पाने और धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए इस यंत्र की स्थापना की सलाह दी जाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, ऐसा भी दृढ़ विश्वास है कि इस यंत्र की शक्ति से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। सच बताऊं तो दोस्तों, संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र हम राम राम जी डॉट को पर लाए हैं। यह यंत्र पूर्ण रूप से सिद्धित तथा प्राण प्रतिष्ठित है। तो दर्शकों, अपनी धन संबंधी समस्याओं से मुक्त पाने के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए जल्द से जल्द मंगाएं संपूर्ण सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र। नमस्कार।